फ्रेंड्स, मेथी का पराठा तो बहुत खाए होंगे आप लोगों ने, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ थोड़ा अलग। तो आज हम बनाएंगे मेथी और आलू का स्टफिंग वाला पराठा, और उसके साथ बनाएंगे सिलबट्टे पर पिसी हुई लहसुन के पत्ते की चटनी। तो ये लहसुन का पत्ता इस तरह से हमने तोड़ लिया है, यहाँ पे हरी मिर्च लिया है, धनिया की पत्ती लिया है, इन सबको अच्छे से धुल करके हमने साफ कर लिया है। ये लहसुन की पत्ती की चटनी बहुत अच्छी होती है और इसे बिल्कुल हम देसी अंदाज में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मिर्ची को दो टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इसे पीसने में आसानी हो। तो अब हम इसे बट्टे की सहायता से पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे धनिया की पत्ती और मिर्ची को पीस लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लहसुन की पत्तियां, क्योंकि हम लहसुन की पत्तियां डाल रहे हैं इसलिए इसमें हमें लहसुन डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मोटा मोटा सा एक बार में पीस गया है, तो अब हम इसे दोबारा पीसना होगा। तो इन सबको एक बार फिर से हम इकट्ठा करेंगे इस साइड, और फिर से हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पीसेंगे। तो ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी, और यकीन माने कि सिलबट्टे की पिसी हुई जो चटनी है ये पराठे में जान ला देगी। तो इस तरह से चटनी को हमने पीस लिया है, पिस गई चटनी हमारी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में हमने चटनी को निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर ज्यादा पसंद हो खट्टा तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टफिंग तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने मेथी के पत्ते को लिया है, और इसकी जो मोटी मोटी सी डंडी होती है उसे हमने काट कर निकाल दिया है, और इसे अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है। तो अब हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करना होगा, बिल्कुल बारीक हम इसे चॉप करेंगे। उसके बाद इसे हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में ही ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डालेंगे एक चम्मच, इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम एक बड़े साइज का प्याज को काट कर रख लिया है, थोड़ा सा मोटा ही हमने चॉप किया है, उसे इसमें डालेंगे और इसे एक मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसके कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो इसे हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें हम कटे हुए जो मेथी की पत्तियां हैं उसे इसमें डाल देंगे, और उसे भी मीडियम फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से ढक करके लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे, ताकि थोड़े से मेथी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 3 मिनट के बाद ये देख सकते हैं कि मेथी भी सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा इसे हमें गलाना नहीं है। तो हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें उबले हुए आलू को मैश करके हमने रखा था, तो इसे इसमें डाल देंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे साथ में, और इसे भून लेंगे 2-3 मिनट तक के। तो ये अच्छे से भून गया, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो देख सकते हैं कि आलू भी भून गया है अच्छे से। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद हम पराठे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सी रोटी बनाने वाली आटा है ना, वही आटा हमने लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा अजवाइन को हम लेकर हाथ में इस तरह से मसल कर डाल देंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। इन सबको सूखा पहले हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम सॉफ्ट साइज का रोटी के जैसा डो तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि आटा गूंद कर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ढक करके 10 मिनट तक रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम पराठे बना लेते हैं। तो हम आटे से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा, पराठे के साइज का हम एक आटे का पोर्शन लेंगे। इसे गोल करेंगे, हथेली पे इसका एक पेड़ा बना लेंगे, और हम इसमें सूखे आटे से डस्टिंग करके इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। उसके बाद इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो ठंडा हो चुका है, तो इसमें इस तरह से डालेंगे, और चारों तरफ से इसे उठाते हुए हम इसे पैक करना है। तो हम बीच का जो पोर्शन है मेथी का वो स्टफिंग, उसे हम हाथ से दबाते हुए इस तरह से साइड से उठाते जाएंगे, और इसको बिल्कुल चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए हमें पैक कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे पैक कर लिया है। तो ये मेथी की स्टफिंग वाली लोई बनकर हमारी तैयार हो गई है।
तो इसके ऊपर हम फिर से सूखे आटे से डस्टिंग करेंगे और हाथों से इस तरह से दबा दबा कर हम इसे पहले फैला लेंगे। जब ये फैल जाएंगे तो स्टफिंग अंदर चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी और ये बेलने में फटेगी नहीं। तो हाथ से जितना हम फैला सकते हैं इसे दबा दबा कर इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और तवा हमने चढ़ा दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। तो इसे अब हम गर्म तवे पे डाल देंगे और 2 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। अब इसे हम पलट देंगे। उसके बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं या फिर हम इसमें घी भी लगा सकते हैं। तो एक साइड लगाने के बाद हम दूसरे साइड भी घी लगा देंगे पलट कर इसे, और उलट पलट करते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो इस तरह से ये आलू और मेथी के स्टफिंग वाला पराठा बनकर तैयार हो गया है, जिसे हमने लहसुन की पत्ती की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। एक बार आप लोग ट्राई करें।